हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ जीरो ऑर्डर if the rate of the reaction is independent of the concentration of all reactants। तो अगर जो reaction होगा, अगर उसका rate जो है वो किसी भी reactants के concentration पे depend नहीं करता है, तो आपका zero order का reaction कहलाता है। तो इसको mathematically कैसे लिखते हैं आपको पता हो तो देखिए, जो reaction का rate of reaction होता है वो dx upon dt होता है। इस proportional to क्या होगा, क्योंकि ये अगर हमारा रिएक्टेंट्स कोई है उसका कंसंट्रेशन ए है तो उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड नहीं करने के बाद उसकी पावर क्या हो जाएगी, जीरो ना। आपको पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिखते हैं, डी एक्स अपॉन ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स। मान लेते हैं अगर दो रिएक्टेंट्स हैं तो अल्फा बीटा, सॉरी ये बी होगा आपका, इसकी पावर में हमने बीटा लगा दिया। तो ये क्या होते हैं, इनके जो इसमें लिया जाता है, जैसे कि अगर हम लिखें ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बी, अगर कोई हमारा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये अल्फा बीटा ये टर्म होंगे जो कि पावर में लगते हैं। तो लेकिन ये हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ी हुई है कि जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन टर्म से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हो गया, मतलब कि dx upon dt is equal to, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लाना पड़ेगा। हमें कांस्टेंट की को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसे कहते हैं हम वेग स्थिरांक, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है रिएक्शन का। और ये a की पावर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन लिखते रहिए हम। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि a की पावर जब जीरो जाएगी कंसनट्रेशन का तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया dx upon dt is equal to k, whereas k is proportionality constant है। अब हम क्या करते हैं, dx और kdt, dt को इधर लाते हैं। अब हम ये हमारा equation वन हो गया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करते हैं equation वन को, तो ये हो जाएगा dx is equal to kdt, okay? Now, dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, इसका k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये dt हो जाएगा, ओके? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k, और ये dt का हो जाएगा t, और एक कांस्टेंट आता है c, से कहते हैं। नाउ ये तो हमारा इक्वेशन वन, लेकिन इसमें कांस्टेंट आया c। तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं, t इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू, मतलब कि जब टाइम जीरो था तो हमारा x इज इक्वल टू जीरो होगा, तो हमने c की वैल्यू जीरो पाई। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर टू में। इक्वेशन नंबर टू में जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू के टी, और ये आपका हो जाएगा इज इम्प्लॉय z, आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू x अपॉन t। ये हमारा क्या होता है, जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उसके लिए ये इक्वेशन होता है। और यहाँ पे आपके कांस्टेंट होगा x और ये t हो गया। अब ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन जो होता है उसके लिए इक्वेशन होगी, और इसमें एक दो टर्म और हम देख लेते हैं। जैसे एक होता है हाफ एज, हाफ एज, हाफ एज का मतलब क्या होता है कि जो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं जब उसका कंसंट्रेशन हाफ रह जाता है, मतलब कि आधा रह जाता है, तो वो टाइम क्या होता है। मान लेते हैं वो टाइम, मतलब कि आप जैसे कुछ भी लेते हो, कोई भी कंसंट्रेशन का जैसे रिएक्टेंस है, तो कितने टाइम में वो अपने कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, वही टाइम में निकालना होता है। तो हम निकालते हैं टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, और यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, यक्स पूरा था तो यक्स बाई टू कब होगा, मतलब कि जैसे ना यक्स होता है तो कितने टाइम में उसका जो रिएक्टेंस है उसकी कंसंट्रेशन एक्स बाई टू कब होगा, क्योंकि डिकम्पोज होता है ना इसमें, तो ये आपका हो जाएगा यक्स बाई टू टी, क्योंकि एक्स बाई टू लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा। ये हाफ एज हो गया इसका, हाफ एज का इक्वेशन ये है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है ये कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते कौन कौन से हैं ना, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते कौन से हैं, तो पहला डिकम्पोजिशन ऑफ एन एस थ्री,
डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 और डिकम्पोजिशन ऑफ HI, और जैसे ये आपका इक्वेशन होता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं आपके, जैसे H2 गैस होता है ये, और ये जो क्लोरीन CL2 रिएक्ट करता है सनलाइट में तो ये बनाता है आपका 2HCl, ये भी आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। देखिए जो ऑर्डर होते हैं रिएक्शन के वो फाइंड किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो इसे आपको दो तीन इक्वेशन कुछ इंपॉर्टेंट जो है उन्हें आपको याद रखना होगा। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जो कि थी केमिकल काइनेटिक्स पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन पे कोई इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।